हेलो क्लास 11, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने लास्ट वीडियो पे देख लिया होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल थ्योरी के बारे में बताया था। सेल थ्योरी में मैंने ओल्ड और मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में बताया था। देन आफ्टर कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स का ब्रीफ दिया था मैंने। देन आफ्टर मैंने सेल के पार्ट्स का फ्लो चार्ट बनाया था। सेल के पार्ट्स के फ्लो चार्ट में कुछ टर्म्स थे तो एक जैसे थे, सिमिलर टर्म्स थे, बट अपने आप में वो डिफरेंट होते हैं। उन टर्म्स को मैंने डिफाइन किया था, बट आज उस टर्म को फिर से एक बार रिवाइज करूंगा, क्योंकि वो टर्म्स आपको कंफ्यूज करते हैं और उस टर्म से आपके क्वेश्चंस नीट में और बोर्ड में आते हैं, एकेडमिक्स में भी आपके आएंगे 11th में। और ये जो क्लास है ये 11th के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज 11th में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलती हैं। 9th में आप जब सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर है और आप एक ओवरव्यू के फॉर्म में इंट्रोडक्शन और सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस वगैरह देते हैं। तो आज जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज से, या इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे, इसमें आपको नई नई बातें मिलेंगी, आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जो कि 9th में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो फिलहाल चलते हैं, लास्ट जो वीडियो का जो फ्लो चार्ट है उसके जो कुछ टर्म्स हैं उस टर्म्स को हम पहले क्लियर करते हैं। लास्ट वीडियो में जो टर्म था आपका, एक था टर्म आपका प्रोटोप्लास्ट, देन साइटोप्लास्ट था टर्म, देन साइटोसॉल था। ये आपके फ्लो चार्ट्स के कुछ टर्म थे। और इस टर्म्स के साथ साथ एक और टर्म है आपका प्रोटोप्लास्ट, जो आपके लिए क्या है, नया है। और प्रोटोप्लास्ट बट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोटोप्लास्ट टॉपिक सेल का है, बट इसका आपको यूज मिलेगा अदर चैप्टर में, लाइक बायोटेक में आपको मिलेगा, लाइक स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट क्लास 12th में है ये भी, और उसमें टिश्यू कल्चर टॉपिक में आपको प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। ऐसे दो तीन ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर प्रोटोप्लास्ट आपको मिलेगा, बट यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में प्रोटोप्लास्ट टर्म का यूज नहीं है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि प्रोटोप्लास्ट जो है टॉपिक, ये सेल के अंदर ही होना चाहिए था, सेल का पार्ट है ये, ठीक है? तो बेटर होगा इसको यहीं पे पढ़ना, क्योंकि अभी आप सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं प्रोटोप्लास्ट है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको प्रोटोप्लास्ट डिस्कस करना होगा तो सबसे पहले आपको ये कंसिडर करना होगा कि वो सेल जिसके अंदर सेल वॉल हो उसी में आप प्रोटोप्लास्ट टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते उसमें प्रोटोप्लास्ट को। जहाँ पे भी सेल वॉल प्रेजेंट है वही सेल्स प्रोटोप्लास्ट के लिए भी आप कंसिडर करेंगे। और फिर आपको ये याद होना चाहिए कि सेल वॉल कंटेनिंग सेल्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सेल वॉल कंटेनिंग सेल्स जो हैं वो एल्गल सेल हैं, देन आपका क्या है, हायर प्लांट सेल्स हैं, देन बैक्टीरियल सेल्स हैं, देन फंगल सेल्स हैं। ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एल्गल सेल्स, देन हायर प्लांट्स। एल्गल सेल्स एक्चुअली में लोअर प्लांट्स में आते हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, लोअर प्लांट्स में आते हैं एल्गल सेल्स, या ऐसे बोल सकते हैं आपके लोअर प्लांट सेल्स है ये, क्या है, लोअर प्लांट सेल्स, देन हायर प्लांट सेल्स, देन आपका बैक्टीरियल सेल्स, देन आपका फंगल सेल्स। ये जो जो भी मैंने आपको सेल्स के नेम बताए, ये सारे सेल्स के अंदर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये सेल आप लेंगे और इस सेल का सेल वॉल आप रिमूव करेंगे। इस सेल का सेल वॉल रिमूव कर दिया, इसको मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, आप देखिए डायग्राम को। यहाँ आप देख रहे हैं ब्लू लाइन जो दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या है, सेल वॉल है। और ये जो रेड बाउंड्री दिख रही है वो क्या है, एक्चुअली में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? तो जब भी आप सेल वॉल देखेंगे तो आप ये जरूर सोचेंगे कि वो कौन सा सेल है, वो एल्गल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है, या हायर प्लांट सेल से कोई एक सेल होगा, ठीक है? देन आप सेल वॉल को ध्यान देंगे, देन क्या करेंगे, आप सेल वॉल के रिमूवल की बात करेंगे। सेल वॉल को रिमूव करेंगे आप, और जब भी सेल वॉल को रिमूव कर देंगे ऐसे सेल से, तो जो रेस्ट जो पार्ट बचेगा वो एक्चुअली में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। वो क्या होगा, उसको तो क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। आपको मैंने डायग्राम पर दिखाया है कि जो ब्लू लाइन्स है यहाँ पे हर्ड रिमूव हो गई है। ब्लू लाइन्स एक्चुअली क्या थी, वो सेल वॉल थी। सेल वॉल मैंने इस डायग्राम में रिमूव कर दिया है। तो रिमूव होने के बाद जो पार्ट बचेगा प्रोटोप्लास्ट, उस प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म होगा, ध्यान देना वर्ड्स को। प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट प्लाज्म, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म ये टर्म होगा, ठीक है? देन न्यूक्लियस होगा,
ये सारे पार्ट्स उसके अंदर होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो होगा आपका टॉपिक वो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म में आपको ध्यान देना है कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रिमूव करना है। हियर ऑल्सो रिमूव वन अनदर बाउंड्री लेयर दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपनी सेकेंड लेयर जो सेल की है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको रिमूव किया। और जब रिमूव किया तो रेस्ट जो पार्ट बचा वो क्या बचा आपका, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है डायग्राम में वो है प्रोटोप्लाज्म। वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट होते हैं, इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स, वन इज ए न्यूक्लियस और सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म। इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला में सब कन्वर्ट करेंगे तो प्रोटोप्लास्ट को कैसे फॉर्मूले के फॉर्म में आप लिखेंगे, प्रोटोप्लास्ट इक्वल टू होगा आपका सेल कंटेनिंग सेल कंटेनिंग या कंटेन सेल वॉल, मतलब वो सेल लेंगे जिसमें सेल वॉल होगा। फिर क्या करेंगे, इसमें सेल वॉल को माइनस करेंगे, आप क्या करेंगे, सेल वॉल को माइनस करेंगे तो रेस्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा। सिमिलरली जो सेकेंड जो टर्म होगा वो क्या होगा आपका, सेकेंड टर्म होगा आपका प्रोटोप्लास्ट। एक्चुअली क्या करेंगे आप लेंगे सेल, ठीक है, और उसमें आप माइनस करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या रिमूव करेंगे आप, सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब भी आप किसी सेल से ये रिमूव कर देंगे तो रेस्ट जो पार्ट बचेगा दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों टर्म्स को आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टर्म क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मींस होता है आपका, साइटोप्लाज्म मींस होगा इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, दैट इज ये वाला प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब कि ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म और प्लस ये न्यूक्लियस दोनों को इंक्लूड किया तो क्या था आपका, आपका प्रोटोप्लाज्म था आपका, ठीक है ना। क्या था, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो उससे आपने क्या रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, तो दस जो पार्ट बचे था वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का एक और फार्मूला बनता है आपका, क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये जो फार्मूला है ये इससे बनता है, इस फार्मूले से आपने प्रोटोप्लाज्म को इधर शिफ्ट किया और साइटोप्लाज्म को इधर शिफ्ट कर दिया तो जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बनेगा। तो ये सारे जो है स्टेटमेंट आपको नोट करने होंगे, ध्यान देने होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म के लिए सेल वॉल कंटेनिंग सेल को लिया और लेने के बाद मैंने क्या किया, सेल वॉल को रिमूव कर दिया। सेल वॉल की रिमूव करने के बाद जो रेस्ट जो पार्ट बच रहा है वो क्या है आपका, प्रोटोप्लाज्म। देन आफ्टर मैंने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव किया। किसको रिमूव किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे रिमूव किया तो क्या बचा आपका, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो यही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है बिकॉज यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने रिमूव कर दिया है। और उसी को यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, उसी का सेकेंड जो व्यू है उसका वो ये है कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू सेल माइनस सेल मेम्ब्रेन मैंने कर दिया। तो वो भी सेम थिंग है, ठीक है, वो भी सेम थिंग है। देन आफ्टर आपका क्या आएगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में सिंपली क्या करना है आपको कि प्रोटोप्लाज्म लेना है और प्रोटोप्लाज्म में से आपको न्यूक्लियस को रिमूव कर देना है।
जब आप प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे तो रेस्ट जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, एक चीज और मैं ध्यान दूं कि जो साइटोप्लाज्म होगा आपका, ये जो एरिया होगा, इस एरिया में डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं कि साइटोप्लाज्म में क्या होगा। साइटोप्लाज्म है क्या एक्चुअली में, एक फ्लूइड एनवायरनमेंट है ये। ठीक है, एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड के साथ क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स मींस कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ आपका, क्लोरोप्लास्ट हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गॉल्जी बॉडी हुआ, ठीक है, राइबोसोम्स हुआ, ये सारे के सारे दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ कुछ इनएक्टिव सब्सटेंसेस भी होते हैं, कुछ समथिंग इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने उनको क्या बोला था, ड्यूटोप्लाज्म मैंने बोला था। क्या बोला था, ड्यूटोप्लाज्म इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो मेटाबॉलिकली जो है इनएक्टिव होंगे। वो क्या होंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, तो वो भी क्या है, साइटोप्लाज्म का पार्ट है। मतलब कि साइटोप्लाज्म में आपका फ्लूइड एनवायरमेंट्स हुआ, देन मेटाबॉलिक इनएक्टिव पार्ट्स हुए, और देन ऑल सेल ऑर्गेनल्स, देन ऑल सेल ऑर्गेनल्स। इन तीनों को जब इंक्लूड करेंगे आप तो उसको क्या बोलेंगे आप, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म से अगर आपने सेल ऑर्गेनल्स रिमूव कर दिया, साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनल्स को रिमूव कर दिया, तो रेस्ट जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा आपका, साइटोसॉल होगा। क्या होगा, साइटोसॉल। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म से मैंने क्या किया, रिमूव सेल ऑर्गेनल्स को रिमूव कर दिया, तो क्या वो होगा, साइटोसॉल होगा। उसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं, साइटोसॉल इक्वल टू साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म से मैंने सेल ऑर्गेनल्स को रिमूव कर दिया, तो रेस्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, साइटोसॉल होगा। ठीक है, ये आपका टर्म थे जो आपको कंफ्यूज कर रहे थे लास्ट वीडियो में, थोड़ा सा उसको मैंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप उस टॉपिक को मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं फिर से एक बार उसको रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं आप आज का जो मेन टॉपिक है, ओवरव्यू ऑफ सेल्स, इस पर डिस्कशन करते हैं। इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल्स। ओवरव्यू ऑफ सेल्स में प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, सबको कंपेयर करके मेन मेन इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, वो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे और उसी को समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है पॉइंट वो क्या है, ओवरव्यू ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या किया है उसने, बाउंड्री को डिस्कस किया है, प्लांट की या एनिमल सेल्स की जो बाउंड्री होती है। ठीक है, या अदर भी कोई सेल्स आप लेते हैं, लाइक बैक्टीरियल सेल ले लेते हैं, तो हर एक सेल की अपनी आउटर मोस्ट जो है एक लेयर होती है, एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आप सब जानते हो कि प्लांट सेल्स का जो बाउंड्री होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या होगा, सेल वॉल होगा। यहाँ पे आप देखिए एक एग्जांपल लिया गया है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अ टिपिकल प्लांट सेल्स, दैट इज अ ऑनियन सेल्स, दैट इज अ ऑनियन सेल्स। और ऑनियन सेल्स में आपको बता दूं कि ऑनियन सेल्स में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो क्या होगी, सेल वॉल होगी। क्या होगी, सेल वॉल होगी। ठीक है, और सेल वॉल की जो स्पेशलिटी ये होती है कि ये परमीबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, परमीबल, मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को इजिली जो है वो क्रॉस करने देते हैं, इजिली क्रॉस करते हैं इन टू आउट और आउट टू इन साइड। ठीक है, देन आते हैं आप एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल्स में जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया है वो ह्यूमन चिक सेल का लिया है, ह्यूमन चिक सेल का लिया है, और वहाँ से सेल्स को ऑब्जर्व किया है माइक्रोस्कोप से और देखा है कि इस एनिमल सेल्स का जो ह्यूमन चिक सेल है वो ह्यूमन चिक सेल्स का जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका सेकेंड नेम है सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन, आ प्लाज्मा लेमा, आ प्लाज्मा लेमा। ठीक है, ये क्या है, एनिमल सेल्स की बाउंड्री है। तो ये चीज आप ध्यान दें।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेशलिटी है ट्रांसपोर्ट के बिहाफ पर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कुछ ही सबस्टेंसेस को क्रॉस करने देते हैं, वो सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं। कैसे होते हैं वो सेलेक्टिवली परमेबल, आउट टू इन या इन टू आउट, जब भी कुछ मॉलिक्यूल जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स कुछ ही जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे। सर्टन मॉलिक्यूल्स इजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन इन टू आउट आर आउट टू इन, ठीक है ना। ये चीज किसके लिए था, ये चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए था, ठीक है। बट सेल वॉल के लिए क्या था, सेल वॉल में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है क्रॉस कर सकते हैं सेल वॉल को, वहां पे ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि फिल्टर करे किसी पर्टिकुलर को, ठीक है ना। ये जो है ये मैंने अभी डिस्कस क्या किया, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया किस टॉपिक में, ओवरव्यू ऑफ सेल्स में। ओवरव्यू ऑफ सेल्स में जो फर्स्ट पॉइंट है बाउंड्री ऑफ सेल्स, वहां ये मैंने डिस्कस किया। देन हम आते हैं किस पे, आते हैं न्यूक्लियस पे बात करते हैं, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से पता है जूनियर सेक्शन में आपने पढ़ा हो कि न्यूक्लियस ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले आप इसको नोट करिए, एनसीईआरटी का ये सेकेंड पॉइंट है, एनसीईआरटी का ये सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि यूकैरियोट सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन आते हैं न्यूक्लियाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियाइड एक्चुअली होता क्या है, न्यूक्लियाइड इज ए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियाइड है या सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये एक्चुअली कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो क्या है, बैक्टीरिया होता है, क्या होता है बैक्टीरिया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस क्या है एक्चुअली में, तो आपको मैं बताऊं कि न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, क्या है स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस आपको क्या मिलेगा, आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे क्रोमोसोम्स। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, क्या होता है क्रोमोसोम्स, आप नोट करते चलेंगे इसको, ठीक है। और क्रोमोसोम्स में एक्चुअली क्या होता है, क्रोमोसोम्स में एक्चुअली क्या होता है, क्रोमोसोम इक्वल टू आप मेंशन कर सकते हैं कि डीएनए, और डीएनए में भी कौन सा डीएनए, लीनियर डीएनए, ठीक है, लीनियर डीएनए प्लस क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये आपका वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरे सेंटेंस को। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, क्या है डेंस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ मेंशन किया है डेंस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इट कंटेन अ यूनिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स कंटेन लीनियर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये हिस्टोन प्रोटीन क्यों है, तो मैं बता दूं कि हिस्टोन प्रोटीन के पीछे जो है वो रीजन ये है कि यहाँ पे स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल है जिसको आप बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या है डीएनए है, यहाँ पे क्या है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और डीएनए पे चार्जेस क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, डीएनए पर चार्ज क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज को जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है। क्यों न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस डीएनए को क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज करके ये स्टेबलाइज करेंगे डीएनए को, क्या करेंगे डीएनए को स्टेबलाइज करेंगे। सपोज दैट ये आपका डीएनए है और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, सपोज दैट ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिल गए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा, दोनों का चार्ज कंपनसेट हो गया, तो दोनों स्टेबलाइज होके क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स फाउंड इन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। देन अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अ न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इट इज सिमिलर टू द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू फंक्शन,
न्यूक्लियाइड इज सिमिलर टू द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. अगर आप फंक्शन के बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियाइड जो है वो किसके सिमिलर है, न्यूक्लियस के सिमिलर है. बिकॉज न्यूक्लियाइड ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बट कैसा होगा, ये सर्कुलर होगा. ये कैसा होगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा. और ये है कहाँ पे एक्चुअली में, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स, एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है. और आपको बताऊं कि यहाँ पे जो आपका डीएनए है ये भी नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ये भी नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है. और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कौन कंपनसेट करेगा, पॉली अगेंस्ट कंपनसेट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे इसको, ठीक है ना. इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे. पॉली एनेंस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होंगे, वहां पे ऑलरेडी क्या डीएनए है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, पॉली एनेंस पे पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा. क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है. और फाइनली डीएनए क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा. जैसा कि यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा था वैसे यहाँ पे भी स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है. ये आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड का मैटर यहाँ पे हो चुका. आप इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि ये सारे वही पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिए जाते हैं. नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है. आपके जो एकेडमिक्स एग्जाम होंगे उसमें हम लोग भी आपसे पूछेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है. जितने भी लेक्चर्स ये हुए हैं, लास्ट वीडियो और ये वीडियो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो को रिपीट करिए और वीडियो को फिर से देखिए. ओके चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो क्या है, वो डिस्कस किया है साइटोप्लाज्म. इसको डिस्कस किया है, साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. जस्ट अभी 10 मिनट्स बिफोर मैंने आपको बताया क्या था कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, फ्लूइड एनवायरनमेंट है. ये फ्लूइड एनवायरनमेंट है जिसके अंदर क्या है, कुछ इनएक्टिव सब्सटेंसेस है, वाटर है. दैट मींस फ्लूइड एनवायरनमेंट का मतलब वाटर तो होगा ही वहां पे. वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. देन मैंने क्या बताया था कि उसमें सेल ऑर्गेनल्स भी है. क्या है, सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है. ये सब कलेक्टिवली क्या है, कलेक्टिवली वी कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है. वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि साइटोप्लाज्म क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स विच इंक्लूड सेल ऑर्गेनल्स, फ्लूइड ऑफ साइटोसोल एज वेल एज सम इनएक्टिव सब्सटेंसेस लाइक प्यूटोप्लाज्म, ठीक है. ये आपका साइटोप्लाज्म फिनिश हो गया. अब बात करेंगे साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है. फंक्शन क्यों बात करेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा साइट है जहां पे क्या होने वाला है, बहुत सारे रिएक्शंस होने वाले हैं. वहां पे क्या होने वाला है, बहुत सारे रिएक्शन होंगे. और रिएक्शन अगर वो तक होगा तो वहां पे आप बोलेंगे कि वो जो साइटोप्लाज्म है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ चीजें फॉर्म हो रही होंगी या कुछ ना कुछ चीजें ब्रेक डाउन हो रहा होगा. समथिंग इज फॉर्म एंड समथिंग इज ब्रेक डाउन, ठीक है. तो कुछ चीजें फॉर्म हो रही है, ब्रेक हो रही है, तो वहां पे आप बोलेंगे क्या कि मेटाबॉलिकली क्या है, ये एक्टिव है. और जब भी कोई भी साइटोप्लाज्म एक्टिव होगा, ठीक है, सेल का साइटोप्लाज्म एक्टिव होगा तो वो सेल भी क्या होगा, लिविंग स्टेट में होगा. वो सेल भी क्या होगा, लिविंग स्टेट में होगा. ये चीज ध्यान देना होगा. किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वहां रिएक्शन हो रहे हैं आइदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, तो वो जो सेल होगा या वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो किस स्टेट में होगा, लिविंग स्टेट में होगा. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको. अब आते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्या कोई पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स ओनली यूकैरियोट्स में है या कोई ऐसा है जो ओनली प्रोकैरियोट्स में है, ये चीज आप डिस्कस करने वाले, ठीक है. तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो यूकैरियोट्स होते हैं आपका यूकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस
membranous and non-membranous. Both cell organelles present. ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या होंगे? membranous एंड नॉन membranous बोथ सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, whereas इन prokaryotes, whereas इन prokaryotes only present नॉन membranous सेल ऑर्गन्स, only present नॉन membranous सेल ऑर्गन्स, नॉन membranous cell organelles. ये आप नोट करते रहेंगे. ठीक है, अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर प्रोकैरियोट्स में नॉन membranous क्या है? राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स. ठीक है, इसको नोट करते रहिए. आपको प्रोकैरियोट्स में नॉन membranous cell organelles इज राइबोसोम्स, वेयर एज इन यूकैरियोट्स राइबोसोम्स, हियर आल्सो देन सेंट्रियोल. ठीक है, ये भी होगा आपका. सेंट्रियोल्स के साथ कंडीशन ये है कि सेंट्रियोल्स जो होंगे वो ओनली एनिमल सेल्स में होंगे सेंट्रियोल्स, और राइबोसोम्स जो होंगे वो प्लांट और एनिमल सेल्स में दोनों होंगे. एक्चुअली में प्लांट और एनिमल सेल्स बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स and both contain ribosomes, whereas centrioles only found in animal cells. ठीक है, तो आपको बता दूं कि ribosome और centrioles both are cell organelles, और वो भी कैसे cell organelles है? Non-membranous cell organelles है. That means कि इसमें भी membrane absent होगा, यहाँ पे membrane absent होगा, but ribosomes present in plant animal cells as well as prokaryotic cells, whereas centrioles only found in animals. तो ये पॉइंट्स आपको लर्न करने होंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइंस है. ठीक है, नोट करिए उसको आप. ओवरव्यू ऑफ सेल्स का लास्ट पॉइंट देखें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. लास्ट पॉइंट ये है कि राइबोसोम्स एक्चुअली में कहां कहां पे प्रेजेंट है, एक्चुअली में उनकी लोकेशन क्या है, उनकी साइट क्या है. राइबोसोम्स आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा, राइबोसोम्स आपको स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में मिलेगा, आपको राइबोसोम्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, और राइबोसोम्स आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा. इसमें मेन चीज ये है कि साइटोप्लाज्म फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. आप यहाँ पे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स लिख सकते हैं, और यूकैरियोट्स में प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्म यूकैरियोट्स में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है. देन यूकैरियोट्स में प्लांट सेल्स में भी है और एनिमल सेल्स में भी है. ठीक है, देन आते हैं किसमें, देन आते हैं सेकेंड ऑप्शन में. सेकेंड ऑप्शन क्या है? SER. SER means कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका डिटेल आगे के लेक्चर्स में होने वाले हैं. ठीक है, और इसका जो सरफेस होता है एक्चुअली में, सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट राइबोसोम्स. ये चीज नोट करिए आप. ठीक है, देन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको पता है कि प्लांट सेल्स में होगा और एनिमल सेल्स दोनों में होगा. ठीक है, आप फंगस से भी ले सकते हैं, चलेगा वो भी. देन क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो ये ओनली कहाँ पे मिलेगा आपको? प्लांट सेल्स के अंदर आपको मिलेगा. तो ये चीज ध्यान देना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है और किसको कहाँ पे मेंशन करना है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज का है अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहले कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उन रिप्रेजेंटेटिव को मैं लिस्ट बना लूँ. सबसे पहले क्या है रिप्रेजेंटेटिव में? बैक्टीरिया, जानते हो आप अच्छे से. देन क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी का सेकेंड नेम क्या है? साइनोबैक्टीरिया. ओके,
और ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एक और स्टेटमेंट है, वो ये है कि ये नॉर्मल एल्गी से ये डिफरेंट होते हैं। जो नॉर्मल एल्गी वर्ड आप सुनते हैं, नॉर्मल जो एल्गी वर्ड है वो आपका प्लांट किंगडम का पार्ट है। वो प्लांट किंगडम में जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली में होते क्या हैं, एल्गी होते हैं। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये सब जो है वो एल्गी प्लांट्स के कैटेगरी में आते हैं। बट ब्लू ग्रीन एल्गी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, माइकोप्लाज्मा। देन आफ्टर पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। वो क्या है कि पीपीएलओ एक्चुअली में माइकोप्लाज्मा ही है। ठीक है, कुछ बुक्स में ये बोलते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा ही है, बट एनसीईआरटी इसको डिफर कर दिया है। एनसीईआरटी ने कैसे डिफर किया है कि जब भी आप माइकोप्लाज्मा किसी कैटल्स के अंदर, कैटल्स के लंग्स के सराउंडिंग अगर इन्फेक्शन करते हैं, लंग्स के सराउंडिंग जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वहाँ पे इन्फेक्शन करेंगे, तो उस पर्टिकुलर माइकोप्लाज्मा को क्या बोलेंगे, पीपीएलओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीपीएलओ। मतलब कि पीपीएलओ एक पार्ट है माइकोप्लाज्मा का। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों में सेल वॉल एब्सेंट होता है, दोनों में सेल वॉल एब्सेंट होता है। और देन नेक्स्ट स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत सारे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ बोथ आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंड ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। और देन एक और भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि पीपीएलओ जो है अपना शेप बार बार चेंज करता है, शेप जो है ये बार बार चेंज करता है पीपीएलओ। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दूं कि चेंज करने की वजह से इसको जोकर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक किंगडम का ये जोकर है एक तरीके से। देन आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में आप देखिए, मैंने दो तरह का क्लासिफिकेशन किया, एक सेप के बेसिस पे, एक फ्लैजला के बेसिस पे। फ्लैजला या फ्लैजलेशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। पहले डिस्कस करते हैं शेप के बेसिस पे। तो आपको बता दूं, जो भी बैक्टीरिया आपको रॉड शेप का दिखेगा, ऐसे दिखेगा, वो क्या होगा आपका, बैसिलस होगा। ठीक है ना, कैसा होगा, बैसिलस, रॉड शेप का होगा या सिलेंड्रिकल आप बोल सकते हैं। देन कॉकस, कॉकस कैसा होगा, सर्कुलर होगा। देन विप्रो, फोमा जैसा होगा। देन स्पर्लम, स्पर्लम जैसा। ये जो है सेप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, ये एनसीईआरटी में दिया है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। बट आपको थोड़ा जानना है, ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाना है, सिंपली ये समझना है कि प्रोकैरियोट्स, दैट मींस कि अगर बैक्टीरिया हम कंसीडर करते हैं तो बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, कभी कभी एबसेंट भी होता है, मोस्टली प्रेजेंट होता है और कभी कभी समटाइम्स एबसेंट होता है। एबसेंट के कंडीशन में उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को कैसे कैटेगराइज करेंगे, कौन सी कैटेगरी इसकी मैं आप उसको क्लासिफाई करेंगे, उसी कैटेगरी होगी एंट्राइटस। ठीक है, एंट्राइटस में फ्लैजेला क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जो भी आपको बैक्टीरिया आपको जिसके अंदर आपको फ्लैजेला एब्सेंट दिखेंगे उसको आप कैटेगराइज कहाँ करेंगे, एंट्राइटस। फिर आता है मोनोट्राइटस। मोनोट्राइटस में क्या है, कोई एक सिंगल फ्लैजेला किसी भी एंड पे, आइदर दिस साइड और दिस साइड, कोई सिंगल फ्लैजेला जो है इधर या इधर होगा, वो होगा मोनोट्राइटस। देन आता है लोफोट्राइटस। लोफोट्राइटस में क्या है कि एक किसी पर्टिकुलर एंड पे, पर्टिकुलर एंड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजेलम होंगे, वहां पे क्या होंगे, ग्रुप ऑफ फ्लैजेलम या फ्लैजेला। देन उस बैक्टीरिया की कैटेगरी क्या बोलेंगे आप, लोफोट्राइटस। देन आता है एम्फीट्राइटस। एम्फीट्राइटस में दो कंडीशन है, आइदर सिंगल आर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, आइदर सिंगल आर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला। यहाँ पे क्या है, सिंगल फ्लैजेला है, बट यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला है, और दोनों एंड इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी दोनों एंड पे है और यहाँ पे भी दोनों एंड पे है। दोनों कंडीशन जो है वो किसमें आएगा, एम्फीट्राइटस में आएगा, किसमें आएगा, एम्फीट्राइटस में। नेक्स्ट आपका क्या है, पेरिट्राइटस। पेरिट्राइटस में क्या है, पूरे बॉडी सर्फेस पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, पूरे बॉडी सर्फेस पे बैक्टीरिया के पूरे बॉडी सर्फेस पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज
लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक पर्टिकुलर एग्जांपल बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया का डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके पार्ट्स पर डिस्कशन होगा, फिर पार्ट्स के फंक्शन पर डिस्कशन। तो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास 11 की, आप जो है वीडियोज को अच्छे से देख के नोट्स बनाएंगे। आप एनसीईआरटी, मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया एनसीईआरटी का इस चैप्टर का, उस वीडियो को भी आप रीड करेंगे और फिर फाइनली आप नोट्स बनाएंगे और जहाँ पर डाउट होगा मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जो आज का स्टार्टिंग का जो कुछ टर्म्स था उस पर आपको डाउट होगा तो आप पूछना, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं कोई भी डाउट हो तो आप पूछना। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।